तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई, तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो, उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, एक हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं काली फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई, ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं।